नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे देश का किसान इन दिनों आंदोलन की राह पर चल पड़ा है, उसी तारतम्य में हमारे बिंद के युवा किसान नेता, जो कि बहुत दिनों से किसानों की राजनीति कर रहे हैं, अनिल सिंह पिंटू, आज उनका भी एक जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है। जैसे ही गणित समाचार को पता चला कि वो लोग रीवा से निकल रहे हैं, तो तुरंत हम लोग उनसे मिलने चले आए और उनसे पूछने चले आए कि आप लोग किस तरह से और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, गणित समाज का मैं चैनल का बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है और किसानों के लिए बहुत जगह अच्छा प्रयास किया आपका चैनल। गणित न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है और आप हमेशा सामाजिक ही कार्य कर रहे हैं। हमें आप आए, हमें बहुत खुशी हुई कि किसानों की जानकारी लेने पहुंचे। पिंटू जी, हमारा एक सवाल बनता है कि इन दिनों आपका जो ये किसान आंदोलन है काफ़ी पीक पॉइंट पर चल रहा है, जबकि आपके इस आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगते आए हैं। जैसे कि अभी एक नया नया आरोप लगा है कि आप लोग कोरोना फैलाने के चक्कर में पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करके आप दिल्ली जा रहे हो, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, किसान का बेटा कोरोना और नेता का बच्चा वैक्सीन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा मध्य प्रदेश का चुनाव, बिहार का चुनाव, अन्य प्रदेशों में कई प्रदेशों में चुनाव हुआ है, तो कोरोना इनकी सभाएं बड़ी बड़ी हुई, इनके सभाओं में कोरोना नहीं हुआ। आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहा है तो वहाँ कोरोना फैला रहा है। हर जिले से, पूरे प्रदेश से लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। जो मेरा जत्था आज दिल्ली के लिए करीब 500 के लोग जा रहे हैं, रीवा सतना सीधी शहडोल से 500 के लगभग लोग यहाँ से निकलेंगे और 4 महीने का राशन पानी लेके जा रहे हैं ताकि उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। और सरकार की आर पार की अब लड़ाई हो चुकी है किसानों की। द्विवेदी जी, ये आपने बहुत दिन से देख रहे होंगे कि किसान आज की डेट में ये कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी हरियाणा में आपने देखा होगा रास्ते खोद दिए गए हैं, अभी किसान या कि आम जनता खोद दी गई हो देती वो रोड, तो आज वो बेचारा जेल में सड़ गया होता। द्विवेदी जी, अब आप ही बताएं, आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, हम लोग तो किसान आदमी। मेरा पूछना ये है कि अगर आप 4 महीने की रसद और 4 महीने का खाना पानी और ट्रैक्टरों में आप रहने की व्यवस्था के साथ यहाँ से कूच कर रहे हैं दिल्ली को, तो इसका मतलब जब तक आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक आप लोग दिल्ली में ही रहेंगे या दिल्ली के आसपास किसी प्रदेश में रहेंगे? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह का निर्देश करेगा, हम लोग उस तरह करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश हुआ है 4 महीने का राशन पानी लेके आना, रहने वहने की पूरी व्यवस्था, हम लोग ट्रैक्टर गाड़ी जीप जो है सब लेके चल रहे हैं, उसमें पूरी व्यवस्था रहेगी कि 4 महीने तक हमें कहीं से गल्ला अनाज नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बोले हैं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जल्द से जल्द मांग मान ली जाएगी। अब देखते हैं कब तक होता है, हम लोग अब जा रहे हैं उन्हीं के नेतृत्व में। भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ के रहेगा और किसानों के हक की लड़ाई पूरी ही पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अभी जैसे कि खट्टर सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खट्टर जी हैं, उन्होंने कहा कि ये केवल पंजाब के किसानों की लड़ाई है और देखने को ये मिल रहा है कि पूरे देश से लोग जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? खट्टर सरकार ने तो किसानों के लिए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चालू हो गई है, पूरे हाथ से पेड़ गिरवा दिए, रोड खनवा दिए, वो तो उनको लग रहा है। यहाँ तो पूरे देश के किसानों को, आप बताइए, मध्य प्रदेश में बोले कि MSP में लेंगे तो यहाँ का मक्का 800 रुपये 1300 रुपये क्विंटल है, बिकना चाहिए MSP का रेट जो हमारा है 1800 का है, आज 800-900 रुपये में बिक रहा। धान बाहर पूरे, अगर सरकार यहाँ की ना खरीदे, दिल्ली सरकार 2500 रुपये 2600 रुपये खरीद रही, छत्तीसगढ़ सरकार 2500 खरीद रही, मध्य प्रदेश सरकार 1800-1800 रुपये खरीद रही है, हमें तो चाहिए। ये कहते हैं एक देश एक भेष रहेगा, तो हम कहते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार जो धान का रेट वही हमारा मध्य प्रदेश का होना चाहिए। पिंटू जी, एक आरोप और आपके किसान यूनियन के ऊपर लगता आया है कि आप लोग किसी राजनीतिक दल की प्रेरणा से
ऐसा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं ताकि सरकार परेशान हो और कुछ दलों को राजनीतिक लाभ दिलाया जा सके। द्विवेदी जी, आप जानते हैं कि न मध्य प्रदेश में, न दिल्ली में, न भारत का कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी राजनीतिक दल के दबाव में हैं कि हम किसी के कहने पे लड़ते हैं, ये कहे किसी के। हम लोग जब जब किसानों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग किसानों के साथ हमेशा, आपने देखा होगा कि किस, चाहे जिसकी सरकार रही हो, अभी कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो हम लोग पूरा दिन कमिश्नरी रीवा में बैठे हैं, भोपाल जाके कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का या कि कांग्रेस का या किसी, हमारे ऊपर किसी का छत्रछाया नहीं। हम लोग जब जब किसानों के साथ कोई भेदभाव हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ने भारतीय किसान यूनियन हमेशा तैयार रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, और आपकी यात्रा सुखमय हो, और आप लोग जंग जीत करके आएँ और किसानों का लाभ। धन्यवाद द्विवेदी।